हेलो सो, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशोक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आऊँ यहाँ पे ये VRX लाइन अरे। अगेन यहाँ पे सिंगल 12 के लाइन अरे होने वाला है, सिंगल HF के साथ होने वाला है। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दे रहे हैं, दो चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं, दो तरीके के आपको लाइन अरे बताने भी वाले हैं। साथ ही साथ खोल के भी दिखाऊंगा कैबिनेट क्वालिटी, पेंट क्वालिटी, फिनिशिंग क्वालिटी, यानी पूरा हर एक चीज़ डिटेल में जाने वाला हूँ। तो वीडियो में मज़ा बहुत आने वाला है, टेस्टिंग जरूर देख के जाना, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम अनबॉक्स कर लेते हैं हमारे VRX के फ्लैट केस को, या फिर मैं कहूँगा कि इसमें आपको कैसे पैकिंग मिलती है। तो मैं आपको ना, ये तो खैर हो जाता है एक, मैंने बीच में से पत्ती स्ट्रिप काट दी है। इस टाइप का जो है वो आपको पैकिंग मिलता है, जहाँ पे आपको स्ट्रिप्स मिलती हैं, इसके ऊपर एक रैपिंग मिलती है पॉली बैग की, ठीक है ना। सेफ्टी के लिए, यानी पानी वानी जाए या फिर थोड़ा धूल गर्दे से ये बचा रहे। अगेन फ्लैट केस के अंदर तो सेफ, तो इसके अंदर ये रहेंगे। दूसरा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये रैपिंग है, रैपिंग मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ। तो रैपिंग हटाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से जो है वो ये मिलेगा फ्लैट केस, और फ्लैट केस के अंदर फिट होंगे ये सारे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्लैट केस की क्वालिटी की, तो एक गुड क्वालिटी के अंदर फ्लैट केस को रखा गया है। LM यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक अच्छी क्वालिटी की LM लगा के ऊपर फुटओवर्स भी दे रखे हैं ताकि हैंग रहे। नीचे आपको व्हील्स मिल जाते हैं, व्हील्स के अंदर यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज्म मिल जाता है, बटरफ्लाई लॉक्स आपको मिलता है, तो सारी चीज़ की सुविधा है। यहाँ पे एक आपको एक हैंडल भी मिल जाता है। अगेन इनका वेट को इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए दो हैंडल देने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे स्पेस भी जो है वो उस हिसाब से बनाया जाता है। कॉम्पैक्ट है लाइनर, हर जगह पे फिट होने वाला है। और इस बात का भी ध्यान रखा है कि कोशिश करी गई है कि फ्लैट केस की कम से कम यहाँ पे साइज़ रखा जाए, ताकि गाड़ी में या फिर आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जगह बचे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है वो इन्वेंट्री आप लेके जा पाए कहीं पे भी। तो अगेन यहाँ पे स्पेस का भी ख्याल रखा है। चलिए मैं ना भी इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ यहाँ पे फटाफट से, और यहाँ से मैं खोलता हूँ इसको। तो ये हो जाता है हमारे एरेज, और मैं भी ना अभी इनको निकाल के आपको दिखाता हूँ उनकी क्वालिटी क्या से क्या मिल जाता है आपको इसके अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारे VRX 932 की, तो मैं भी आपको ऊपर की डिटेल देता हूँ, साथ ही साथ मैं इस एरे को यहाँ पे खोल के भी दिखाने वाला हूँ। हमेशा से हर एक वीडियो में कोशिश ये रहती है कि आपको हर एक डिटेल में लेके जाऊं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ओवरव्यू और क्या क्या चीज़ें, पेंट की फिनिशिंग, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ग्रिल। तो ग्रिल दोस्तों, एग्जैक्टली हमने यहाँ पे सेम रखने की कोशिश करी है, 16 गेज का यहाँ पे ग्रिल का जो है वो इस्तेमाल में लिया गया। अगेन यहाँ पे फिनिश टू फिनिश जो आप देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट रखा गया। इस स्टिकर के पीछे आप सभी को मालूम है क्या दिया गया है, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पे अगर मैं फ्लेयर की बात करूँ, तो यहाँ पे फ्लेयर में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक पॉइंट मैं रखना चाहूँगा कि फ्लेयर में हमने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हैं, या फिर कह लीजिए कि VRX से हमने दो वेरिएंट निकाले हैं। दूसरा वेरिएंट जो कि रहता है, उसके बारे में जब मैं इसको खोलूंगा तब मैं आपको एक बार बता दूंगा कि हाँ भैया, वो दूसरा वेरिएंट क्या चीज़ के साथ में आता है, क्या चेंजेस के साथ में आता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे साइड की डिटेल्स दिखाना चाहूँगा, जिसमें आपको यहाँ पे मेंशन रहता है VRX 900। साथ ही साथ इसकी जो पिंच की क्वालिटी है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे पिंच की क्वालिटी अगेन यहाँ पे अच्छी रखने की कोशिश करिए। इसकी सारी एक्सेसरीज हो जाती हैं यहाँ पे, जितने भी है ये सारी एक्सेसरीज है, यहाँ से आप इसको कुछ इस प्रकार से जो फिट कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एलिंग की बोल्ट्स का काम किया गया है, एल पत्ती भी यहाँ पे लगाई गई है, जैसे कि होता है नॉर्मली वैसे ही रखा गया है। और ये CNC वर्क है, कोई भी हाथ की फिनिशिंग इस पर नहीं काम करी गई, ये प्रॉपर CNC ही वर्क होता है। पीछे की बात करूँगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हो जाता है इसका बैक प्लेट। इस स्टिकर के पीछे मालूम है आप सभी को क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये डमी होता है। अगेन अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे ये पूरा वर्किंग स्विच चाहिए या फिर वो चाहिए, तो अगेन मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप यहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे या फिर कुछ चेंजेस करेंगे, तो प्राइसिंग भी डिफरेंस आता है। अगेन यहाँ पे मैंने बजट, एक मीडियम और एक हाई क्वालिटी, तीनों आपको मैं एक बार बता दूंगा लास्ट तक वीडियो में। तो ये जो है वो हमारा बजट लाइनर हो जाता है। तो यहाँ पे एलिंग की बोल्ट्स का भी जो है वो इस्तेमाल मिलेगा, गैसकेट हर जगह पे इस्तेमाल मिलेगा। ये इसके जो पीछे के एलिंग की बोल्ट्स है ना, यहाँ पे ये फ्लेयर के हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अगेन यहाँ पे साइड पे भी आपको ये दोनों साइड जो है वो आपको ये सेम टू सेम हैंडल्स मिल जाते हैं। अभी तो ये हो जाता है ऊपर का, बाकी मैं यहाँ पे पेंट फिनिश भी आपको दिखाना चाहूँगा। और ये सेंटेक्स पेंट होता है दोस्तों, ये पेंट फिनिशिंग स्क्रैचलेस पेंट है, हार्ड पेंट होता है। तो आप ये सोचिए कि मैं सिक्के से नाखून से उखाड़ लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। फिलहाल में ये तो हो जाता है ऊपर की डिटेल, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे एरे को खोल चुका हूँ और पूरी तरीके से हरी, स्पीकर्स भी अलग हैं, यहाँ पे फ्लेयर भी अलग है। फ्लेयर जैसे मैंने बताया पीछे से खुलता है, तो सामने भी कोई भी आपको यहाँ पे बोल्ट नहीं देखने को मिलेगा।
फिलहाल मैं अगर मैं स्पीकर दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रखा है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये ओवरव्यू दे देता हूँ इसकी कैबिनेट की। तो यहाँ पे हर जगह पे जो है वो गैसकेट का जो है वो इस्तेमाल में लिया जाता है। यहाँ पे भी आप गैसकेट का दे सकते हैं। स्पीकर हटाता हूँ मैं फटाफट से। तो स्पीकर हटाते के साथ यहाँ पे भी आपको जो है स्पीकर पे भी गैसकेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर मैं स्पीकर को पलटूंगा बैक साइड तो यहाँ पे अगर मैं ब्रांडिंग दिखाना चाहूँ तो ये है दोस्तों एरोंस का, यहाँ पे प्रो 123F01 ये मॉडल हो जाता है। अगेन यहाँ पे 500 वाट RMS पावर के साथ में आता है और वॉइस कॉल साइज यहाँ पे अगेन 3 इंची का जो है वॉइस कॉल साइज रखा गया, 2 लेयर वाला, ठीक है ना। ध्यान रखना 2 लेयर वाला है। मार्केट में यही चीज़ें आपको 600 वाट कह के बेची जाती है। फिलहाल में मैं इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ। और स्पीकर आप सभी को मालूम है कितना बेहतरीन स्पीकर है ये, मुझे कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एरोंस के स्पीकर कितने अच्छे होते हैं। अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो फ्लेयर को निकालने का सिंपल सा आसान सा तरीका ये है, आपको थोड़ा सा यहाँ से पुश करना है इसको और ये जो फ्लेयर है ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से ऐसे निकल आएगा, ये वाला, ये देखिए। अब यहाँ पे अगर मैं फ्लेयर की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे एक सिंगल HF आपको देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मली आपको किसी भी VRX में 3 HF भी देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बजट लाइनर है इसलिए यहाँ पे सिंगल HF का यूज़ में लिया गया। ये जो HF ये 518 मॉडल होता है, लेकिन इस जगह पे आप यहाँ पे एक सिंगल HF यानी न्यूडम जो आता है ना हमारा 110 वाट का, वो वाला भी HF यहाँ पे इस्तेमाल में ले सकते हैं। साइज इतना होना चाहिए, थोड़ा सा और गैपिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये देख सकते हैं थोड़ी सी और गैपिंग मिल जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे फ्लेयर के बारे में मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, जो कि ऑप्शंस हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिंगल HF वाला आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये वाला फ्लेयर हो जाता है जिसके अंदर आप इसमें सिंगल HF फिट कर सकते हैं। इसका साइज बस इतना होना चाहिए कि यहाँ तक आपको फिट आना चाहिए, 518 जो कि नॉर्मली होता है ना उस साइज का, आप चाहे न्यूडियम में भी लगा लीजिए उसमें, क्योंकि साइज बिल्कुल सेम मिलता है तो वहाँ पे वो 110 वाट का बन जाता है, ठीक है ना। तो ये एक फ्लेयर मिल जाता है। दूसरा जो कि फ्लेयर मिलता है दोस्तों वो ये होता है जिसमें आप कह लीजिए कि ओरिजिनल के अंदर ऐसा फिट होकर आता है। इसके अंदर VRX के छोटे वाले जो कि है 932 के ट्विटर्स यहाँ पे यानी हमारे जो HFs हैं वो यहाँ पे फिट होते हैं। तो ये 3 HF का लगाने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से भी जो है वो आप इसको परचेज कर सकते हैं अपने दोनों हिसाब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दोनों का प्राइस अलग है इस बात का ध्यान रखना। और इस वाले HF के साथ में मैं न्यूडेमी स्पीकर्स दूंगा और न्यूडेमी यहाँ पे HF हम देंगे साथ ही साथ, जो कि बैक प्लेट जैसे कि बताया वर्किंग स्विच के साथ में, तीनों ही वर्किंग स्विचेस रहेंगे, पैसिव एक्टिव का एंड यहाँ पे लॉन्ग थ्रो और यहाँ पे सेंसिटिविटी का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शंस हैं। अगर कैबिनेट्स भी लेना चाहते हैं तो इन दोनों ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक डिटेल और दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो कि गैसकेट का काम है वो यहाँ पे भी करा गया है। यहाँ पे ये फ्लेयर जो है यहाँ पे भी करा गया है, यहाँ पे भी करा गया है। इसके पीछे जो है यहाँ पे आपको नेट्रोप्लेट मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे एक नेट्रोप्लेट लगा रखी है। अगेन यहाँ पे बजट सेगमेंट वाला है तो ये मैं सोच रहा है कि हमने सिर्फ HF के लिए दे दिया क्योंकि यहाँ पे ये बजट सेगमेंट है यहाँ पे। और अगेन यहाँ पे जब आप 3 HF पे जाते हैं अलग मॉडल्स पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिर स्पीकर्स के लिए भी यहाँ पे मिल जाता है। और बात करें यहाँ पे टेस्टिंग के लिए तो मैं भी आपको यहाँ पे इसी मॉडल का यहाँ पे टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ, सिंगल HF 1 स्पीकर के साथ में, 4 RA हैं 2 बेस के साथ में। तो चलिए सेटअप हम देख लेते हैं कैसे रहने वाला है। तो सर यहाँ पे बात करूँ वायरिंग की तो वायरिंग भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ और हम इन एरो के साथ में क्या क्या चीज़ें यूज़ में ले रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे ये हो जाता है मिक्सर जो कि है हमारा डायनामाइट का DJ M4। और अगर मैं कनेक्शंस की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शंस, सबसे पहले तो ये 2 आउटपुट निकल चुके हैं। 2 आउटपुट जो है वो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉसओवर में इनपुट्स हो रहे हैं 1 और 2 के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं क्रॉसओवर से आउटपुट्स की बात करूँ तो यहाँ से लो हो जाता है जो कि हमारा डायरेक्टली यहाँ पे बेस पे जा रहा है, जो कि हमने यहाँ पे ज़ाइफर का ZED यूज़ में लिया गया है। इसको हमने लूप कर दिया है यहाँ पे एम्पलीफायर को, इसको हमने लूप कर दिया, बेस चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो कि हमारा हाई मिड हो जाता है ये लाइनरी का, तो लाइनरी के लिए हमने यहाँ पे Cool M4 ले रखा है, यहाँ पे इनपुट हो जा रहा है, इसको हमने यहाँ पे लूप कर दिया, ये दूसरे को एक दूसरे से लूप कर दिया है। अब यहाँ पे जो कि बेस है वो तो एक 4/4 ओम्स पे चल रहा है, हमारे एरे भी जो है 4/4 ओम्स पे चल रहे हैं। तो एरे जो है वो यहाँ पे हमने पीछे से जो है वो लूप करे हुए, इस बात का ध्यान रखना। आगे से सेटिंग्स मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। और यहाँ पे ये बेस का इनपुट गेन हो जाता है, ये हो जाता है, ये इसका आउटपुट गेन हो जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी हमने यहाँ पे बेस का यहाँ पे रखा है, इस बात का देखना 140 से ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं लाइनरी की बात करूँ तो ये इनपुट हो जाता है, यहाँ पे लाइनरी का देख लीजिए 140 से नीचे हमने यहाँ पे दे रखा है जो कि है इसका मिड। एंड यहाँ पे
अगर आप इसके अंदर लाइनर है जब आप सुनेंगे अगेन यहाँ पे ये जो सेटिंग है या फिर ये जो क्वालिटी है ये मेरे हिसाब से बेहतरीन मुझे लग रही है, तो आप ये ना सोचें कि मैं यहाँ पे जो चीज़ बता रहा हूँ वही आपने करनी है। आपका स्पीकर अलग है, आपका एचएफ अलग है, आपका बेस अलग है, आपका एम्पलीफायर अलग है, प्रोसेसिंग सारी अलग है, तो अलग अलग चीज़ें आपने डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, उसी हिसाब से आपने जो है क्रॉसओवर से सेट करना है। चलिए मैं भी यहाँ पे आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ बेस के साथ में कैसी रहने वाली है। कैसे लेके टेस्ट रहे हो, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इन लायरे का, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अलग बज रहे होंगे, अगेन यहाँ पे बेस कम पड़ा है मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ पे लाइनर बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, अगेन यहाँ पे इनकी क्वालिटी भी अच्छी और स्पीकर्स भी क्यों ना हो, अगर स्पीकर्स भी यहाँ पे अच्छे कंपनी के हमने यूज़ करें, और इससे पहले मैंने इन स्पीकर्स को भी आपको दिखाया था, फिलहाल में इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई है इन स्पीकर्स स्पेशली, बहुत बेहतरीन लगे तो इसलिए मैंने इसमें यूज़ करा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, वो फ्लेयर दे दूँ बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ये दो टाइप के आपको एरे मिलते हैं, पहला जो है ये फ्राइट मॉडल है, दूसरा जो है यहाँ पे ये तीन एचएफ के साथ में वेरेक्स वाले एचएफ के साथ में प्लस यहाँ पे एक न्यूडम स्पीकर के साथ में, वो वाला जो पूरा मॉडल रहेगा वो हम यहाँ पे एरोन्स एटीआई प्रो या फिर और
एक आधा जो ब्रांड है वो आपको हम लिस्ट में दे देंगे, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये दो ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ। और प्राइजेस की बात करें तो प्राइजेस होता क्या है कि आप ये बोलते हैं कि भैया प्राइस क्यों नहीं बता रहे हो। प्राइस का मैं सबसे पहले बात करूँ कि मान लीजिए मैं आज यहाँ पे ये लाइनर बनाया, अब ये तो है नहीं कि मतलब आज का प्राइस जो है वो आप ये वीडियो देख रहे हैं महीने बाद बार और ले रहे हैं आप दो महीने बाद, तो ऐसा तो है नहीं कि आज का प्राइस जो है वो आज ही रहेगा। जब दो महीने बाद लेंगे प्राइस भी चेंज होगा, तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप लें तभी आप यहाँ पे प्राइस का मालूमात करें या मालूम करें नीचे। इसलिए हम यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं, तो वहाँ से जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट करिए हमारी शॉप पे या ऑफिस पे, तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं दो वेरियंट के बारे में बता चुका हूँ और दोनों वेरियंट का आप नीचे मुझसे रेट ले सकते हैं। ये विथ फ्लैट केस आएंगे, साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे कैबिनेट चाहिए तो कैबिनेट का भी ऑप्शन हम दे रहे हैं। दोनों में ही सिंगल और यहाँ पे ट्रिपल एचएफ तीनों में आप ले सकते हैं। बाकी दोस्तों कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे एक नंबर हो रहा होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए ऊपर बोर्ड भी है डीजे ब्लॉक का, और अगेन यहाँ पे आप एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, मेहनत अच्छी लगी तो जरूर दबा के लाइक करना। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।